जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, अभी वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है, तो आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आप अपने पति की लंबी आयु के लिए जीवन पर्यंत वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको पूजा के दौरान लेनी चाहिए। एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बहनें हैं या बहुत सारी माताएं हैं जो पूजा करती हैं वट सावित्री व्रत में और बहुत ज़्यादा सामान जो है वो नहीं ले जा सकती हैं। ऐसे में जो भी सामान उनको मिलता है, जो भी उनके बजट में है, वो सामान ले के जाएँ। बहुत ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत उनको नहीं है। अगर जो खरीद सकते हैं या जिनके पास क्षमता है, वो जितनी भी सामग्री जो है वो ले जाना चाहती हैं ले जाएं। क्योंकि पूजा जो है वो देखिए तीन तरीके की होती है, बड़ी, मंझली, छोटी। तीन तरह की पूजा होती हैं, जिस भी तरीके से सामान मिल जाता है उस तरीके से पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। मेरा यही मानना है कि भक्ति भाव श्रद्धा जो है वो आपका पूर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ ना करने से वो पूजा जो है वो की जाए, भले ही कम सामान की जाए, तो प्रभु उस पूजा को जो है वो स्वीकार करते हैं। तो ऐसे मैं जो सामान लेके गई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर ये सामान आप ले सकते हैं तो जरूर लीजिए, अगर नहीं ले सकते हैं तो जो कम से कम सामान मिले आप उससे भी पूजा जो है वो वट सावित्री की कर सकती हैं। क्या क्या सामान है वट सावित्री व्रत में और कौन कौन से ज़रूरी सामान हैं, तो चलिए एक नज़र जो है वो देख लेती हूँ और आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा सामान जो है वो हमें लेकर जाना चाहिए। दो थाली मैंने यहाँ पर ली हुई हैं और दो थाली मैंने यहाँ पर सामान जो है वो रखा हुआ है। एक एक थाली से शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने जो बांस का पंखा है वो नहीं रखा है। बांस का पंखा आप अवश्य रूप से ले जाइए, मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है। अगर बांस का पंखा नहीं मिलता है तो घर पे जो भी आपको दफ्ती या जिस भी तरीके से कपड़े से आप बना सकते हैं, या बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बोरी से बनाती हैं, तो जिससे भी आप बना सकती हैं, कोई भी कार्टून की दफ्ती वगैरह से, या अगर नहीं बना पा रही हैं तो अपने साड़ी के पल्लू से हवा जो है वो वट वृक्ष को जरूर करें। ये चीज़ जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पे कोई भी पंखे जो हैं वो आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं केवल आपको जो सामान है वही दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पंखा जो है वो आपको बता दिया। इसके बाद हमारे यहाँ दो खरबूजे जो हैं वो लेके जाए जाते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है, अगर आपके यहाँ की ये परंपरा है कि आपके यहाँ आम, खीरा या कोई भी मौसमी फल जो है वो काट के चढ़ाए जाते हैं या ऐसे ही चढ़ाए जाते हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है कि दो खरबूजा हम लेके जाते हैं, एक खरबूजा प्रसाद के रूप में हम अपने कोछे में डालते हैं, मतलब साड़ी के पल्लू में, और एक खरबूजा जो है वो वहीं पे हमारे यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपके घर की क्या परंपरा है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, पानी की जो बॉटल रखी है, एक पानी का कोई भी डब्बा या बॉटल, जिसमें भी देख लीजिए, जिसमें भी शुद्ध पानी आप ले जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आप जब पूजा शुरुआत करते हैं तब आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा पानी आचमन के लिए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो वट का वृक्ष है उसमें शरबत, मतलब चीनी वाला जो पानी है वो चढ़ाया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही मैं लेके जाती हूँ। यहाँ पर मैंने तांबे का लोटा रखा हुआ है जल इत्यादि अर्पित करने के लिए, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मिठाई का जो डब्बा है वो भी रखा हुआ है। तो ये तो रही बाहर वाली सामग्री। अब मैं जो थाली में रखा है वो मैं बता देती हूँ। तो एक थाली जो बोतल के बगल में आप देख पा रहे हैं, इस थाली में कलश रखा है, आपको सिक्का दिख रहा होगा, हल्दी की गांठ, जो भी कलश में डालते हैं पंच पल्लव वगैरह, वो आप डाल के कलश की स्थापना अगर करना चाहें तो कर दें, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है और गर्मी में कलश की स्थापना करना, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं को कलश स्थापना करके विराजमान करना, उसके बाद विधिवत पूजा करने का एक बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ महत्व जो है वो बताया गया है। तो कलश अगर आप रख के विधिवत पूजा कर रही थी तो आपको कलश जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। अगर नहीं कर रही थी, वट वृक्ष के नीचे ही जाके आप पूजा कर रही थी, तो उस हिसाब से भी आप कर सकती हैं। मैंने क्या बताया कि मेरे यहाँ की जो परंपरा है, जो मैं सामान ले कर पूजा में गई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने दो आप देख
देख रहे हैं कच्ची अड़िया ली हुई है फेरा लगाने के लिए, और एक मैंने यहाँ पे रक्षा सूत्र लिया है। रक्षा सूत्र की एक तरीके से पूजा जो है वो की जाती है, साथ ही साथ पूजा समाप्त होने के बाद में अपने पति की कलाई में ये रक्षा सूत्र जो है वो बांधा जाता है। इसलिए रक्षा सूत्र जो है वो अवश्य रूप से ले जाएं। और जो कच्ची अड़िया, जो कच्चा धागा आप देख रहे हैं, इससे वट वृक्ष की परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सुहाग के रूप में चूड़ी ली हुई है, आलता लिया है, सिंदूर लिया है, बिंदी ली हुई है, मेहंदी ली है यहाँ पर, और साथ में बिछिया जो है वो भी ली है। अगर आप कम से कम सामान लेना चाहते हैं तो आप सिंदूर, एक बिंदी का पत्ता और चूड़ी जो है वो ले सकते हैं। जितना भी आपसे हो जाए उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगार का सामान रखा हुआ है, उसके बगल में ही आप देख रहे हैं एक मैंने मिट्टी का दिया जो है वो रखा हुआ है। मिट्टी का दिया जो है वो जब लास्ट में पूजा करते हैं तो वहीं पर जलता हुआ छोड़ा जाता है, इसलिए मिट्टी का दिया जो है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और बगल में आप देख रहे हैं मैंने फेरे लगाने के लिए टाफी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो छुहारे होते हैं गोल वाले वो मैंने लिए हुए हैं। मैं जोड़े से फेरे जो है वो लगाती हूँ, इसलिए मैंने टाफी और जो छुहारे दो लिए हैं। आप इनकी जगह पे सिक्के से फेरे लगा सकते हैं, किसी मेवे से फेरे लगा सकते हैं, किसी फल से फेरा लगा सकते हैं। चना जो है वो इनके साथ में मिलाए जाते हैं, आप चाहें तो चना और टाफी, आप चाहें तो चना या किसी ड्राई फ्रूट्स के साथ जो फेरा है वो लगा सकते हैं, या आप जो भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से आपको फेरे जो है वो लगाने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो छुहारा और टाफी जो है वो फेरे लगाने के लिए ही लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो कलावा रखा है उसके नीचे मैंने यहाँ पे दक्षिणा जो है वो भी रखी हुई है। साथ ही साथ मैंने हल्दी, चावल, कुमकुम जो है वो भी रखा हुआ है। तो एक जो थाली है वो इस तरीके से आपकी हो गई है। अब बात करते हैं दूसरी वाली थाली की। दूसरी वाली थाली में आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पूड़ी और पुआ जो है वो बनाए हुए हैं। तो पूड़ी और पुआ जो है वो ज़रूर बनाने पड़ते हैं। पूड़ी और पुआ बरगदाई जो है वो मेन होता है, इसलिए आप चाहें तो केवल पूड़ी और बरगदाई बना लें, या आप चाहें तो पुआ और बरगदाई बना लें, जो भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पूड़ी और पुआ दोनों बनाए हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा आटा, और उसमें मीठा जो है जिस से मीठी पूड़ी बनाई जाती है बस उसी को थोड़ा टाइट आटा गूंद के, और ये गोली जैसी जो है वो बनाई जाती है, इनको बरगदाई हमारे यहाँ बोलते हैं। तो ये जो है वो ज़रूर बनानी चाहिए, ये पूजा में चढ़ती हैं आज के दिन, मतलब वट पूजा के दिन, तो ये आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने चने जो हैं वो भीगे हुए लिए हुए हैं, और कुछ चने मैंने यहाँ पर अंकुरित वाले लिए हैं और कुछ भीगे हुए चने लिए हैं। तो अगर आपके यहाँ के घर की परंपरा है कि आपको अंकुरित चने लेना है तो आप अंकुरित चने, क्योंकि कहीं कहीं की मान्यता ऐसी है अंकुरित चने अगर हम वट वृक्ष के नीचे चढ़ाते हैं तो हमारा परिवार जो है फलता फूलता रहता है, इसलिए अंकुरित चने जो है वो वट वृक्ष में चढ़ाए जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो आगे 19 तारीख को अभी वट सावित्री आएगी, तो आप दो दिन पहले ही चने भिगो दीजिए ताकि चने जो है वो अच्छे से अंकुरित हो जाएँ, उसके बाद आप चढ़ाइए। लेकिन निगलने के लिए जो चने हैं वो अंकुरित ना लेके आप जो भीगे हुए चने हैं वही आप लीजिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दो जनेऊ जो है वो बनाए हुए हैं, जो एक गले में धारण करते हैं, साथ ही साथ एक वट वृक्ष को पहनाते हैं। घर से ही ये सारी चीज़ें जो है वो बना के अगर ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो सहज महसूस होगा, पूरी विधिवत पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जनेऊ जो है वो दो बना के रखे हुए हैं। पीले धागे से अगर बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो आपको हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के उसको जो है वो कलर कर लेना चाहिए। उसके बगल में मैंने यहाँ पे घी और गुड़ जो है वो रखा हुआ है, उसके बगल में मैंने इलायची दाना रखा हुआ है, साथ ही साथ मैंने धूप बत्ती जो है वो रखी हुई है, ऐपन लिया जो पीली कटोरी में आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने चावल के आटे में हल्दी और पानी मिला के ऐपन तैयार किया है, उसके बगल में मैंने माचिस रखी हुई है, उसके बगल में मैंने अच्छत के रूप में थोड़े से चावल जो है वो लिए हैं। यहाँ एक छोटी सी लिफाफा टाइप का कागज़ जो है वो देख रहे हैं, उसमें मैंने कपूर जो है वो लास्ट में आरती के लिए लिया हुआ है। जो एक छोटी लाल कलर की डिब्बी दिख रही है उसमें मैंने यहाँ पे चीनी जो है वो ली हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ शरबत चढ़ाने का विधान है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे चीनी जो है वो रखी हुई है। तो इतनी सारी सामग्री जो है वो पूजा में मैं लेके जा रही हूँ। इतना नहीं है तो आप कम से कम सामान में भी आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया, सिंगार के रूप में आप एक बिंदी, चूड़ी और जो आलता है वो आप ले जा सकते हैं, या आप सिंदूर और बिंदी भी चढ़ा सकते हैं। इतना आप जो है वो सिंगार चढ़ा दीजिए, मतलब एक सिंदूर और
बिंदी, चूड़ी और सिंदूर बिंदी, तीन चीज़ें तो कम से कम जो है वो सिंगार के रूप में चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ जो पूड़ी और बरगदाई है वो और चने, इतनी चीज़ों से भी आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बता दिया कि कम सामान में भी आप पूजा कर सकते हैं, ज़्यादा सामान में भी कर सकते हैं, तो जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है उस हिसाब से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो ये रही वट सावित्री व्रत की सामग्री। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आने वाली वट सावित्री के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।